नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज साथियों बात करेंगे, अगर हालांकि दुबई का कोई बात नहीं होती, अगर आप कोई भी कंट्री जा रहे हैं तो कुछ कंडीशन एंड बाउंडेशन होता है कि आप क्या सामान लेके जा सकते हैं, क्या सामान लेके नहीं जा सकते, कौन से सामान में कैसे बैन होता है, उसको लेके जाते हो तो क्या दिक्कत आपको हो सकती है। तो चलिए अपना शुरुआत करते हैं। अगर आप विदेश जा रहे हैं, विदेश से रिलेटेड बात करूंगा, इंटरनेशनल फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप विदेश जा रहे हैं तो कौन सा सामान आप साथ में लेकर नहीं जा सकते, अगर आप उसके बावजूद भी लेके जाते हैं तो आपको क्या क्या परेशानी सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों मैं 6 पॉइंट पे बात करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई भी प्रकार की नशीली पदार्थ वस्तु आप साथ में लेके नहीं जा सकते। जैसे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, वो आप पकड़े जाते हो तो आपको भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। नशीली पदार्थ, मादक पदार्थ हो गया, कोई भी नशे से संबंधित कोई भी पदार्थ होता है, अमल एक्सवाइजेड कोई भी आप समझ सकते हैं, वो आप साथ में लेके नहीं जा सकते। लेके जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। कई बार काफ़ी लोग जो नशेड़ी होते हैं, पहली बार फ्लाइट कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता, चलो साथ में लेके चलते हैं, उनको नहीं पता भैया वहाँ पे 10 जगह निकलता है कंप्यूटर से स्कैन होके, दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नुकूली वस्तु, यानी कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है, वो चीज़ आप लेके नहीं जा सकते, जिससे लोग भयभीत होते हैं। जैसे चाकू, छुरी, बंदूक, रिवाल्वर, ये नुकीली चीज़ें होती है, इसको आप साथ में लेके नहीं जा सकते, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं तीसरा, लिक्विड वस्तु। लिक्विड वस्तु में क्या आता है साथियों, आपने देखा होगा कि आप अपनी पानी की बोतल भी लेके नहीं जा सकते, आपको पता होगा, साथ में लेके नहीं जा सकते, वहीं से खरीदना पड़ेगा, चाहे वो 10 गुना महंगा हो। लिक्विड वस्तु बहुत सारी चीज़ें, जिसको कुछ भी एक्सपायर्ड लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, पानी, दूध, दही, ये वगैरह वगैरह, जो अपने लिए सही है लेकिन वो वहाँ पे इलीगल है, उनको आप लेके नहीं जा सकते। हैंडबैग में सिर्फ आप पैसा, चॉकलेट लेके जा सकते हो, वो लिक्विड में नहीं आती, पैसा लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होती। चौथा पॉइंट है साथियों, सीड्स यानी मिर्ची पाउडर, धनिया, ये जो लोगों ने कई बार सुना है यार कि साथ में लेके चलते हैं, वहाँ महंगा मिलता होगा, ठीक है, ये इंडिया से तो हो सकता है आप निकल जाओगे, लेकिन दुबई में ये गलत है, आप पकड़े जाओगे तो फाइन लग सकता है आपको, आप नहीं लेके जा सकते मिर्ची पाउडर, धनिया वगैरह, दुबई में बैन है, खास तौर से बता दूं मैं। अब कई लोग कमेंट करेंगे, सर हम तो लाए थे, भैया वो किस्मत है कोई निकल जाए, बाकी निकलता नहीं है, दुबई में बैन है, बिल्कुल आप लेके नहीं जा सकते, समझ गए आपको। जो खमखम मान लो, या जो मिर्ची पाउडर से रिलेटेड हो, जो भी सामान है ये लेके नहीं जा सकते, इस पे बैन है बाकायदा। पांचवें नंबर पे बात करते हैं, आपके पास वेट कितना होना चाहिए, इससे ये भी इसी में है, ठीक है साथियों। तो पांचवा नंबर है हेड बैग, अगर आपके पास हेड बैग है, हाथ वाला बैग है, उसमें आप 7 kg वेट से ज्यादा लेके नहीं जा सकते। 7 kg से ज्यादा होगा तो या तो उसको आप लगेज में कन्वर्ट करो या फिर उसका अलग से चार्ज दो, 7 kg। और रही बात आपकी, अगर आपके पास लगेज है, लगेज आप 30 kg यानी 30 kg से ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकते। 30 kg से अगर आपका ऊपर हो गया तो एक्चुअल आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन लगभग 1400-1500 आपका एक्स्ट्रा पर केजी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपका 30 किलो है, इसके बाद अगर 1 किलो भी एक्स्ट्रा हो गया तो आपको 1500 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे पर केजी, तो आपको महंगा पड़ेगा। तो साथियों ये मैंने 6 पॉइंट आपको बताए हैं, आप वहाँ पे क्या लेकर नहीं जा सकते। अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं या बार बार कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, इन 6 पॉइंटों पे आप जब भी विदेश यात्रा करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे नई वीडियो में डालूं, नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, सही जानकारी, सही मोटिवेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।